हेलो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन की काउंटिंग हर 10 साल में करवाई जाती है, जिसे हम सेंसेस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की पहली सेंसेस या जनगणना ब्रिटिशर्स द्वारा 1881 में करवाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड लेकर आज के इस टॉपिक में मैं आया हूँ। मगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। पॉपुलेशन सोशल साइंस का, सोशल स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या गांव में कितने लोग रहते हैं और क्या उनके क्वालिटीज़ या फीचर्स हैं। इस तरह से जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाते हैं। तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो पॉपुलेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड लोकेशन, यानी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है किसी जगह की, शहर की, गांव की, जिले की या देश की। तो पॉपुलेशन की साइज़ या पॉपुलेशन का नंबर सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है। साथ ही साथ में पॉपुलेशन का लोकेशन, यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पे है, ये भी हम लोग इसमें देखते हैं। सेकेंड नंबर पर हम लोग जो देखते हैं, दैट इज़ द चेंज इन द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पॉपुलेशन का। जो तीसरा एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है क्वालिटीज़ और द फीचर ऑफ पॉपुलेशन। तो आज पॉपुलेशन की ये सारे फीचर्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो फीचर है, दैट इज़ द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज एंड लोकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की 2001 में पॉपुलेशन 102 करोड़ के करीब थी, जो कि दुनिया का 16% और यहाँ की हम लोकेशन या एरिया की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 लाख किलोमीटर के करीब। यानी आप जान सकते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, लेकिन इसकी जो टोटल एरिया वर्ल्ड का, ये 2.4% है। यानी दुनिया में जो 16% पॉपुलेशन है वो केवल 2.4% इलाके में, एरिया में, क्षेत्र में रह रही है। इससे ये साबित होता है कि इंडिया इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। साथ ही साथ में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अलग अलग स्टेट में कोई ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कोई डेंसली है, कोई लीस्ट है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2001 के अंदर यूपी की पॉपुलेशन थी 16 करोड़, यानी कि लगभग 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की 102 करोड़ है और यूपी की 16.6% थी। और उसी समय सिक्किम में केवल 5 लाख लोग रह रहे हैं और लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग रह रहे हैं। यानी कि कुछ स्टेट तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो रहे हैं और कुछ कम पॉपुलेटेड हो रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इंडिया में, इंडिया की जो एवरेज है वो 324 पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन वेस्ट बंगाल में आपको एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर आपको 904 लोग मिल जाएंगे, 904 लोग मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की पर स्क्वायर डेंसिटी जो है वो केवल 19% पर पर्सन है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन में इंडिया जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको एक मैप के जरिए और समझाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जैसे जो माउंटेन वाले इलाके हैं, हिली इलाके जहाँ पर रहना टफ है, या नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम दिखेगी। मैप के जरिए आप इसको देख सकते हैं। पेनिनसुलर पार्ट के अंदर आपको एक मीडियम डेंसिटी की पॉपुलेशन मिलेगी, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन इलाकों के अंदर है। और अगर आप फर्टाइल इलाकों के अंदर देखेंगे, जो कि यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और अपना केरला है, तो इन स्टेट्स के अंदर आपको ये बहुत हाईली डेंस पॉपुलेटेड मिलेंगे। अगर हम लोग जो सेकंड एलिमेंट की हम बात करें तो वह है चेंज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से हम जान सकते हैं, एक टेबल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। 1951 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, जो कि 1.25% की रेट से बढ़ रही थी, जो 81 में बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई, जो कि जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट थी 2.22%। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगी और
बाद में 1.93% पर आ गए। इसी रफ्तार से यदि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2045 या 50 तक 2045 या 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से आगे निकल जाए। तो पॉपुलेशन में जो चेंज आता है इसके क्या कारण है और क्या इसके प्रोसेस है। पॉपुलेशन में जो चेंज आता है उसके तीन मेन कारण हैं। सबसे पहला है बर्थ। बर्थ पॉपुलेशन में पर थाउजेंड पर पर्सन पर किलोमीटर के हिसाब से देखी जाती है। बर्थ रेट इसी को कहते हैं। एक साल में 1000 लोगों में कितने लोगों के नए लोगों का जन्म हुआ, नए बच्चों का जन्म हुआ, इसी को हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट जो है वो नंबर ऑफ पीपल डाइड इन अ ईयर इन पर थाउजेंड, तो इसे हम लोग डेथ रेट कहते हैं। अब बर्थ रेट से जनसंख्या बढ़ती है और डेथ रेट से जनसंख्या कम होती है। एक और कारण है जनसंख्या चेंज होने का, दैट इज द माइग्रेशन, यानी अपनी जगह से पलायन करके दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह से अपने यहाँ आना। ये माइग्रेशन दो प्रकार का हो सकता है। पहला है इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार से महाराष्ट्र में, पंजाब में, ठीक है, राजस्थान से आसाम में और दूसरे राज्यों में, तो इस प्रकार से इंटरनल माइग्रेशन हो सकता है। एक माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो सकता है, इंडिया से USA, कैनेडा, अफ्रीका, इन कंट्रीज में जाना, तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। पॉपुलेशन के अंदर एक और एलिमेंट है, दैट इज द एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में तीन भागों में हम लोग किसी पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है चिल्ड्रन, जो कि लेस देन 15 ईयर्स होते हैं और चिल्ड्रंस किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट नहीं लेते। इंडिया में 2001 में 34% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की चिल्ड्रंस कैटेगरी के अंदर आती। अगली जो है वो है एडल्ट। एडल्ट जो कि 15 साल से 59 ईयर्स के एज के लोग होते हैं, ये देश की वर्कफोर्स में भी हम इसे काउंट करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट भी लेती है। तीसरा है एजेड ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, जो अबव 60 ईयर्स है, ये लोग नहीं या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं या बिल्कुल बहुत ही कम पार्टिसिपेशन करते हैं और इंडिया में इनका परसेंटेज अराउंड 7% 6.9% 2001 में था। अगला है हमारा मेल टू फीमेल रेशियो जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। 1951 में इस टेबल के माध्यम से आप देखेंगे 1951 में 946 फीमेल्स थी पर थाउजेंड, जो कि धीरे धीरे जनसंख्या फीमेल्स की कम होने लगी। 2001 तक आते आते ये 933 पर थाउजेंड मेल ये हो गए, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पे ये रेशो अलग था। केरला में हाईएस्ट फीमेल रेशो है जो कि 1058 पर थाउजेंड मेल है और दिल्ली में ये बहुत कम है, दिल्ली में ये 821 पर थाउजेंड मेल के हिसाब से है। अगला जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पॉपुलेशन में आता है, दैट इज़ द लिटरेसी रेट। 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की भाषा में लिख और पढ़ सकता है उसे लिटरेट माना गया है। इंडिया में 64.8% टोटल पॉपुलेशन 2001 तक लिटरेट थी, जो कि अब जाके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। इस लिटरेसी रेट में 75% मेल जो है वो लिटरेट थे और फीमेल का रेशो 2001 तक काफ़ी कम था, सिर्फ 53% था, जो आगे चल के इसमें काफ़ी अब काफ़ी चेंज आ चुका है। अभी जो नई पॉपुलेशन 2011-21 में आएगी इसमें आपको बहुत चेंज मिलेगी। अगला पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हम स्टडी करते हैं वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंडिया में तो 2001 में 64% लोग खेती किसानी माइनिंग में काम कर रहे थे, जो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगला है सेकेंडरी सेक्टर। 2001 तक इसमें केवल 13% के लोग थे और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर जिसमें कि 20% लोग थे। तो पॉपुलेशन के अंदर ये कुछ एलिमेंट है जिनको हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन के बारे में फिर आगे प्लानिंग की जाती है, रिसोर्सेज के बारे में प्लानिंग की जाती है, इसीलिए पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पॉपुलेशन पे पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।